अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चरसी कढ़ाई। और ये बिलाल भाई हैं, और बिलाल भाई जो हैं वो इसकी जितना भी मसाले वगैरह हैं उसकी कटिंग कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। बिलाल भाई, उन्होंने दरमियान से एक एक कट लगाने को बोला था। ज़रा इसलिए मैंने इसको नहीं, आपने टू पीसीस करने हैं दरमियान में से, बस। ओके ओके, दरमियान से इसी तरह ही उन्होंने बोला भाई। ये दो पीस आप ले जी। ये हमारे टमाटर कटिंग हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो भी इंग्रेडिएंट है वो आपको दिखाते हैं। ले जी व्यूअर्स, अब हमारी बारी है ग्रीन चिली की। इसको आपको बता देते हैं किस तरह से काटना है। कुछ आपने काटनी है दरमियान से, इस तरह से। दूसरा तरीका इसका ये है जी, ये भी आपने साथ ही इसमें शामिल करना है। उसके बाद आपने अदरक को छोटे छोटे पीसेस कर लेने। पीसेस करके आपने इसकी पेस्ट बना लेनी है। हमारे पास यहाँ पे ये मौजूद है, हम इसमें इसकी पेस्ट बना लेंगे। ले जी, ये हमारा लहसुन जो है वो रेडी हो गया। अब हम इसके भी इसमें डाल के पेस्ट बना लेंगे। ये हमारा पेस्ट हो गया कंप्लीट, और अब हम चलते हैं चिकन की तरफ। ये हमारा चिकन वॉश हो रहा है। ले जी व्यूअर्स, हमारा सामान सारा रेडी हो चुका है। और सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं, ये हमारा टेरेस है। यहाँ पे हम लोग कुकिंग करेंगे। जी व्यूवर्स, कढ़ाई की काफ़ी हद तक तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। अभी आप सारी आइटम्स उसके देख रहे हैं। मेकिंग के लिए हमने चूल्हा ऑन कर लिया है, बस गाड़ी स्टार्ट है। अब इरफान साहब भी आ चुके हैं। इरफान साहब, इरफान साहब हैं जी। ये हम हैं, ये हमारी कढ़ाई बन रही है और ये पार्टी हो रही है। कितनी कढ़ाई रह गई है? नहीं, बस पानी सूखना है, तकरीबन 12 मिनट और लगेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप तमाम लोग? आज का अपना व्लॉग कर रहे हैं हम लोग शुरू, और बड़ा स्पेशल व्लॉग है आज हमारा। सबसे पहले तो आप ये व्यू देखें मेरे पीछे, कैसा ज़बरदस्त किस्म का आ रहा है। और जो आज का व्लॉग है बड़ा मज़े का और बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि कल हो सकता है पहला रोज़ा होगा और हम लोग जो है वो एक पार्टी करने लगे हैं रोज़े से पहले। और हम लोग बनाने लगे हैं चिकन चरसी कढ़ाई। चरसी कढ़ाई बनाने लगे हैं, और कैसे बनानी है और कैसे बनेगी और हम लोगों ने यहाँ बैठ के पार्टी करनी है, ये मैं सारा कुछ जो भी आपको यहाँ बता रहा हूँ। अच्छा जी, उसके लिए क्या किया कि सारे का सारा सेटअप जो है वो मैंने रेडी कर लिया है, और आपको दिखाता हूँ क्या है सारा कुछ। ये देखें, ये हमारा जो है हमारा छोटा सा एक रूफ गार्डन है। सिलेंडर यहाँ पे आ चुका है, चिकन यहाँ पे आ चुका है, ये आपकी हरी मिर्ची आ गई हैं, टमाटर आ गया, लहसुन अदरक का पेस्ट आ गया, सारा कुछ आ गया। और इन लोगों ने वो चीज़ें भी यहाँ पर रख दी हैं जो मुझे नहीं चाहिए। और ये देखें हमज़ा क्या कर रहा है, ये शीशा बना रहा है। सबसे बढ़कर यहाँ का व्यू देखिए आप, कैसा ज़बरदस्त किस्म का एक व्यू आ रहा है ऊपर से, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्लासिक किस्म का व्यू आ रहा है। देखिए शाम होनी शुरू हो गई है और अब कुकिंग भी स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे शीशा प्रोग्राम भी जो है वो ऑन हो चुका है, शीशा लग चुका है। कौन सा फ्लेवर है भाई? मिंट। मिंट के साथ डबल एप्पल, मिंट डबल एप्पल का फ्लेवर जो है लग चुका है यहाँ, साथ शुरू हो चुका हुआ है। और ये देखें, ये कोयले भी आ गए हैं।
कुकिंग अभी स्टार्ट होने लगी है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली हमें कोई 40-45 मिनट्स लग जाएंगे इसको कुकिंग करते हुए। और आपको सारा तरीका ये भी बताऊँगा चर्सी कढ़ाई कैसे बनती है। इसके अंदर ऑयल डालना है और ऑयल हमें इतना डालना है कि ये जो हमारा चिकन है ये इसके अंदर डूब जाए। अगर चाहिए होगा तो मजीद हम जो है बाद में ले लेंगे, ठीक है। पैन पकाना कितने आ रहे हैं? वेरी गुड, चीज़ ही कोई नहीं है जिसे पकाना है। उसके बाद अब यह चिकन हम इसके अंदर डालेंगे अपना, थोड़ा सा ये थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो जी ये अभी हमने इसके अंदर जो है अपना सारा चिकन जो है ये डाल दिया और इसको अभी जो हमने इसको हम थोड़ा सा डीप फ्राई करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट तक हम जो है इसको फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए और इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। इसको अब हमने 5 मिनट जो है वो फ्राई करना है। लहसुन अदरक का पेस्ट है, ठीक है, ये हम लोग डाल रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा बन गया हुआ है, ज़्यादा बनाया भैया। तो अक्सर शेफ के पास एक्स्ट्रा ही होते हैं, कोई बात नहीं, असं बाद चो किधर होटल में नहीं पकान जाना, ठीक है। ये आ गया इसके अंदर, ये हम इसको मिक्स करेंगे। अभी तक ये जो है ना सही तरह, मतलब हमारा जो गैस का प्रेशर है वो थोड़ा कम है, नहीं तो ये अभी तक जो है ये इसको फ्राई हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ये नहीं हुआ। अब साथ ही इसके अंदर जो है थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे। नमक है भाई, नमक पूरा नमक दे यार, छोटा चम्मच जो है ना, टी स्पून नहीं आएगा, मैंने इसके अंदर 1/4 टीस्पून डालना है। सर वो इसमें बड़ा होगा बर्तन कड़ी बना ली। बड़ी पोनी चलती है नमक हमने डाल दिया, अब इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो टमाटर है ना ये साबुत ही ऐसे उल्टे करके रख देने। उल्टे क्यों रखने हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। हेलो सलाम अलैकुम, मैं पापा पता रबता कर लो मैं करना वा तो मैं फिलहाल ऑफिस ही हाँ, मैं घंटा के बस लगना। हाँ जी ये हमने टमाटर डाल दिए और अब हम इसको दोबारा कवर कर देंगे कोई 10-15 मिनट के लिए। क्या किया कि हमने इसको थोड़ा सा 15 मिनट बाद उठाया तो ये जो टमाटर के छिलके हैं ये बहुत सॉफ्ट हो गए हैं और अभी जो है जो हम इसको रिमूव कर रहे हैं ताकि ये रिमूव हो जाएंगे और ये खाने के अंदर आपके नहीं आएंगे। दोनों तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आप खाने में यूज़ कर सकते हैं तो आप खाने में इसको रहने दें और अगर आप चाहते हैं कि यार नहीं इसको हमने नहीं करना तो आप इनके छिलके ये देखें ऐसे पकड़ के बड़े आराम से स्मूथली तरीके से ये उतर जाएंगे। आप जो है ये उतार सकते हैं, ये देखें ये उतार लिया आपने, ये उतार लिया बस ये चिलीज़ हैं, ठीक है ना, ये हमने काटी हुई हैं और अब ये जो है फॉर द टेस्ट कि ये इसके अंदर जो है वो मिक्स एंड मैश हो जाएगा। अब हम ये इसके अंदर डाल रहे हैं, ये आपने अपने टेस्ट के हिसाब से आप जितनी मतलब कम ज़्यादा इसके अंदर जो है वो कर सकते हैं। और बढ़िया ना मिर्चें जी जी,
ਅਤੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗਾਰਨਿਸ਼ਿੰਗ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਹਮਨੇ ਡਾਲ ਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਚਿਲੀਜ਼, ਅਬ ਇਸਕੋ ਹਮ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਕਸਅਪ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। और हमने ये जो टमाटर है इसको भी मैश करना है साथ साथ, ताकि इसी की जो है हमारी ग्रेवी बननी आगे। इरफान साहब भी आ चुके हैं। इरफान साहब, इरफान साहब हैं जी, ये हम हैं, ये हमारी कढ़ाई बन रही है और ये पार्टी हो रही है। कितनी कढ़ाई रह गई है? नहीं बस पानी सूखना है, तकरीबन 12 मिनट और लगेंगे इसमें। कढ़ाई हम 3 किलो रखते हैं लेकिन इसका 4.5 किलो हो गई है। रह नहीं गई, बढ़ गई है। और इसी यखनी के बाद ही छोड़ दिया, ऑयल बहुत था। और ये बाहर ऐसी कढ़ाई है जिसमें हमने 1 लीटर ऑयल डाला है और 1.5 लीटर निकाला है। ये बरकत है, ये बरकत है, ये रमजान की बरकत है। रमजान शुरू हो चुका है भाई, ईद का चांद नजर आ गया। ये देखे आ गया, नजर आ गया, आ गया। सर ये भाई को कैद भी कर दिया गया है। अभी तो रमजान का चांद नजर है भाई, ईद का नहीं है। सर ये भाई को कैद भाई, ईद ही है ना। नहीं भाई, 30 डे बाद अपने बारे हालात क्यों बता रहे हैं? परेशानी क्यों हुई है इस भाई का? पता क्या असल में किसी ने हो गया कैद, इसलिए परेशान है। सही है, यानी कि आपको 60 दिन कैद होगी, 60 दिन की रोजा रखने पड़ेंगे आपको। सही हो गया जी, हमारा जो खाना है तैयार हो चुका हुआ है। ये मैं आपको दिखा देता हूं, खाना हमारा रेडी हो चुका है और अभी हम सब मिलकर खाने लगे हैं। रेडी हो चुका हुआ है, यहाँ रखेंगे और यहाँ पर खाएंगे। लो जी खाना हमारा रेडी हो चुका है और अब बिलाल साहब जो है वो सर्विंग कर रहे हैं। छुट्टे पसंद है? नहीं सर, वो इम्तियाज साहब चले गए हैं जिनका ये डिपार्टमेंट है, तो मैं तो सिर्फ आपके लिए कोऑपरेट कर रहा हूँ। लेकिन वो फिर शुरू से खाएंगे। वो जीरो से स्टार्ट करेंगे। क्यों इरफान साहब? क्योंकि हमारी रमजान की शुरुआत, रमजान की आमद पे कुछ कहेंगे आप या कोई मैसेज हमें? आप सब ये हमारे पूरे ऑफिस की आज गेट टू गेट थी। गेट टूगेदर थी इस मामले में कि कल से माशाल्लाह रमजान मुबारक स्टार्ट हो रहा है, तो आज हम सब भाई मिलके बैठे हैं, एक साथ खाना खा रहे हैं। फिर ये मौका हमें इंशाल्लाह 1 मंथ के बाद मिलेगा। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, अपनी पनाह में रखे, और जो हम इस रमज़ान मुबारक में उससे जो भी मांगें हमारी तमाम नेक हाजतों को वो पूरा फरमाए। शुक्रिया, आमीन। मिलते हैं ब्रेक के बाद।